अखिल भारतीय कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी समेत तमाम कांग्रेस सज्जनों को पार्टी मुख्यालय से गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने जाने से रोक दिया गया, जिसके विरोध में अजय लल्लू जी व मौजूद सभी कार्यकर्ताओं कार्यालय परिसर में ही उपवास पर बैठे हुए हैं। रिजवान खान की स्पेशल रिपोर्ट। शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने इस देश को आजाद कराने अपनी कांग्रेस पार्टी का गौरवशाली इतिहास। हम लोग आजादी के दीवाने हैं। उस दौर को भी कांग्रेस पार्टी ने देखा है जब अंग्रेजी हुकूमत जो आज हमारी पार्टी का झंडारोहण और उत्सव मनाने का दिन शांतिपूर्वक कांग्रेस संदेश यात्रा हम पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता निकाल और गांधी जी की प्रतिमा पर फूल अर्पित करना चाहते हैं। प्रदेश मुख्यालय से कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक पूर्व विधायक एमएलए और हमारे पार्टी के सभी फ्रंटल सेवा दल कांग्रेस महिला कांग्रेस दलित कांग्रेस पिछड़ा कांग्रेस और सभी माइनॉरिटी कांग्रेस के लोग हम लोग जाकर एक सामान्य यात्रा करते हुए गांधी जी की प्रतिमा पर ये दमनकारी सरकार लोकतंत्र को पूरी तरह समाप्त कर दिया इन लोगों ने, कैद कर दिया है। क्या इस देश में हमें गांधी जी के प्रतिमा पर फूल चढ़ाने से भी रोका जाएगा, किसी पार्टी का उत्सव मनाने से भी रोका जाएगा? अजीब हालात बनाया है इस उत्तर प्रदेश में। 3 दिन से मुझे घर में कैद रखा है, पुलिस के पैरे में बैठा रखा है, न हिलने दे रहे, न जाने दे रहे, न कहीं आने दे रहे हैं। गाय बचाओ, किसान बचाओ यात्रा कांग्रेस पार्टी निकाल रही है। हम गौ माता को बचाना चाहते हैं और ये सरकार गौशालाओं में लगातार गाय की मौतें हो रही हैं। योगी सरकार लगातार गौशालाओं में गौ को रखकर उनको उपेक्षा का शिकार बनाते हुए उन्हें मरने पर मजबूर कर रही है। कांग्रेस पार्टी यात्रा कर रही है, पूरे प्रदेश के नेताओं को नजरबंद, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार। आखिर ये लोकतंत्र को कहां ले जाना चाहती है सरकार? आज हम लोगों ने इस सरकार के विरोध में दिन भर के उपवास का आयोजन किया है और जब तक ये सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती हमारा उपवास जारी रहेगा।